नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं महिंद्रा के शोरूम नारायण ऑटोमोबाइल्स में, जो कि पड़ता है विकास नगर रिंग रोड पे लखनऊ में। आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं महिंद्रा की ऑल न्यू एसयूवी बिग डैडी। ये रही महिंद्रा की ऑल न्यू बिग डैडी एसयूवी स्कॉर्पियो एन। आप सामने से देख सकते हैं कि कार अब और भी ज़्यादा मस्कुलर लगने लगी है। काफ़ी सारे एलिमेंट्स चेंज किए गए हैं कार में इसको नया लुक प्रोवाइड करने के लिए, एंड कुछ हद तक इसको सिमिलर भी रखा गया है पुराने स्कॉर्पियो से, जैसे कि इसकी हाइट हो गई। इसमें ढेर सारा यूज़ किया गया है क्रोम्स का, पहली रिलीज स्कॉर्पियो में इतना यूज़ नहीं होता था क्रोम का। सामने साथ देख लीजिए दोनों गाड़ियों में, बुलेरो और स्कॉर्पियो में कितना ज़्यादा कंपैरिजन दिख रहा है कि स्कॉर्पियो कितनी ज़्यादा मस्कुलर लग रहा है। स्कॉर्पियो अपने आप में ही एक जाना माना नाम है, इसके लॉन्च होते ही कार ने तहलका मचा दिया था। साइड से आप लोग देख सकते हैं कार का कितनी सही लग रही है। सिग्नेचर टेल लाइट्स का यूज़ किया गया है, स्पॉयलर भी दिया गया है, ऊपर शार्फी एंटीना भी प्रोवाइड किया गया, मतलब सब कुछ फीचर्स दे दिए गए हैं। बेसिक वेरिएंट की बात करें तो इसमें Z2 है, उसके ऊपर फिर Z4 है, उसके ऊपर Z6 है, एंड लास्ट वन इज Z8 एंड Z8L। इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आप सारे फीचर्स देख सकते हैं। फ्रंट की बात करें तो कार में आपको मिल जाता है सामने के साइड में LED सेटअप में हेडलाइट्स, जिसमें आपको हाई बीम के लिए हैलोजन दे रखा है। ऊपर की साइड में DRL मिलता है, एंड उसी में हेडलाइट में नीचे आपको मिलता है इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। सबसे नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाता है, उसमें सी शेप का आपको DRL मिल जाता है LED सेटअप में, वो भी है। ग्रिल आप देख सकते हैं फ्रंट से, तो आपको बिल्कुल स्कॉर्पियो की जो फेसलिफ्ट वाला है उससे पहले ले नजर आएगी, तो उन्होंने कुछ एलिमेंट उसी के ही दे रखे हैं। नीचे आपको मिलती है सिल्वर कलर की स्किट प्ले, पूरी बॉडी पे आपको क्लैडिंग मिल जाएगी ब्लैक कलर की। इसमें आपको मिलता है 17 इंच का एलॉय व्हील्स, एंड इसमें दो आते हैं, एक 17 इंच का भी आता है और एक 18 इंच का भी आता है। इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं ORVM पे ही, ORVM ऑटो फोल्डेबल एंड ऑटो एडजस्टेबल्स हैं। डोर हैंडल्स पे आपको क्रोम का यूज दिख जाएगा। फ्यूल टैंक में आप इसको देख सकते हैं, बटन दे रखा है जिसको आप आराम से इसको खोल सकते हैं। फ्यूल टैंक किसका आता है 80 लीटर का, 57 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी। एड्रेनो एक्स के फीचर्स में प्रोवाइड किया गया है, बेल्ट इन एलेक्सा है। साइड से आप लोग देख सकते हैं कार के पूरा क्रोम की गार्निशिंग कर रखी है, पहले के मुकाबले इसमें क्रोम का ज़्यादा यूज़ करा गया है कार में। बैक साइड में भी आप देख सकते हैं कि कितना यूज़ करा गया है बम्पर्स पे। रियर वाइपर, डिफॉगर एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स कार में प्रोवाइड करे गए हैं। नारायण ऑटोमोबाइल्स ने हमें यह कार प्रोवाइड कराई थी, स्पेशल थैंक्स टू देम। कार पीछे से देखने में बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लगती है। स्कॉर्पियो एन की बैजिंग आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी एजी लुक्स के साथ प्रोवाइड करेगी है। नीचे आपको मिल जाते हैं रियर में रिफ्लेक्टर्स एंड लैंप्स, नीचे भी उसी में सिल्वर कलर की स्किट प्लेट मिलती है। डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, बैक वाले पे भी, एंड अंदर इन्होंने फुल्ली फिनिश्ड कर दिया है डोर को, जो कि पहले इतना नहीं होता था। आप देख सकते हैं जब तीनों रो ओपन रहती है तो कितना इसमें स्पेस रहता है, एंड अब आप जब इसको फोल्ड कर देंगे सीट्स को, ये तीन रो में एडजस्ट होती है। अब आप इसको भी और भी फोल्ड कर सकते हैं, नीचे से एक ओलिवर आपको उठाना पड़ेगा, सीट और फोल्ड हो जाएगी, तो आपके पास काफ़ी लगेज एरिया बन जाता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लगेज एरिया मिल जाता है, जिसमें आप काफ़ी सारा सामान स्टोर कर सकते हैं अपनी लंबी ट्रिप्स के लिए। साइड में आपको जैक की प्लेसमेंट मिल जाएगी, एंड ऊपर ही उसमें मिल जाएगा 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। नीचे आपको मिल जाती हैं कुछ इसके टूल्स, इसकी प्लेसमेंट आपको मैटिंग के नीचे मिलती है, जिससे कि जब गाड़ी चल रही हो तो कुछ ज़्यादा आवाज़ ना करे ये सब, इसलिए आपको मैटिंग के नीचे इसकी प्लेसमेंट दे रखी है। कुछ ऐसा करके आप सीट को अनफोल्ड कर सकते हैं, एंड आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस इसमें बचता है उसके बाद भी, एंड जब फोल्ड हो जाती है उसके बाद भी। इंटीरियर की बात कर ले बैक सीट्स की, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम लुक देता है कार अंदर से। वह कॉफ़ी ब्राउन एंड ब्लैक में इंटीरियर का प्रोवाइड किया गया है। सामने डैशबोर्ड के लुक आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम डैशबोर्ड प्रोवाइड कर रहा है। इसमें जो डैशबोर्ड है वो भी जैसा पुरानी स्कॉर्पियो में था, सेम सीट आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी प्रीमियम है, ब्लैक और कॉफ़ी ब्राउन कलर। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है इस कार के लिए, बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। ग्लव बॉक्स, वो हैंडल्स आप देख सकते हैं कितना बड़ा दे रखा है। पीछे आपको दो AC वेंट मिल जाते हैं, प्लस एक पावर सॉकेट मिल जाता है। स्कूप्ड आउट सीट्स कार में प्रोवाइड है, जिससे बहुत अच्छी कुशनिंग प्रोवाइड होती है कार में। ऊपर की साइड में आपको मिल जाती है लैंप्स, एंड 12 स्पीकर्स का इसमें सेटअप है। पीछे की साइड में आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल्स एंड लाइट्स दे रखे हैं रीडर्स के लिए। यहाँ पे आप नीचे लीवर को पुश करके कार के थर्ड रो में एंटर कर सकते हैं बहुत ही आराम से, केवल सिंगल लीवर पुश करना है। एंड ये बंदा जो है, इसकी हाइट है 5'10" की, ये थर्ड रो में बैठने जा रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि कितना स्पेस कुछ बचता है कार में इनके बैठने के बाद। यहाँ तक देख रहे हैं कि इसमें थाई सपोर्ट उतना सही नहीं है, एंड थोड़ा सा स्पेस नी रूम बचता है, एंड हेड रूम भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा बचता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। पीछे ग्लास होल्डर नहीं प्रोवाइड करा गया है। पीछे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है, जिससे आप अच्छे से
चार्जिंग कर सकते हैं। पीछे से अगर आपको उतरना है तो उसमें आपको सीट्स में दे रखा है एक ही लीवर, आप इस लीवर को जस्ट होल्ड करिए, पुश करिए आगे की तरफ तो पूरी सीट आगे बेंड हो जाती है, तो आप आराम से इसमें से कार से निकल सकते हैं। कार के कलर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है डीप फॉरेस्ट, रेड रेज, ये भी बहुत कलर बहुत प्यारा लगता है। इस बार ये है इसका एवरेस्ट व्हाइट कलर जो कि बहुत अच्छे लुक प्रोवाइड कर रहा है कार। फिर इसमें मिलता है गोल्डन कलर्स, फिर इसमें आता है नेपोलियन ब्लैक कलर, ग्रैंड कैनन कलर एंड डेजलिंग सिल्वर कलर। स्कॉर्पियो एन का इंटीरियर कुछ इस तरह के आपको दिखता है, कॉफी ब्राउन एंड ब्लैक कलर्स में। आप देख सकते हैं इंटीरियर कितना प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है कार को। चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट डोर की। डुअल टोन में आपको डोर प्रोवाइड किया गया है। ये पोर्शन आपका प्लास्टिक में है एंड जो आर्म रेस्ट वाला है वो आपका लेदर फैब्रिक्स में मिलता है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ में आपको स्विचेस मिल जाते हैं, कंट्रोल आपके मिल जाते हैं सारे। ग्रैब हैंडल इसका सिल्वर फिनिश में दिया गया है। स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको मिल जाता है। नीचे के साइड में आपको मिल जाता है बोनेट ओपनिंग एंड पेडल शिफ्टर्स। जो इसकी सीट्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल्स है, 8-way एडजस्टेबल होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे एंड रिक्लाइनिंग ऑप्शन के साथ। कार का इंटीरियर आप देख सकते हैं कॉफी ब्राउन एंड ब्लैक कलर में है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं कार में, महिंद्रा के बीच में लोगो मिल जाता है। 6 एयरबैग्स के साथ ये कार आती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देख सकते हैं 8 इंच का प्रोवाइड करा गया है। बाकी सारे स्विचेस आपको नीचे दिए गए हैं कंट्रोलिंग के लिए। ऑटोमेटिक एसी डुअल जोन के साथ आता है। इसमें आप देख सकते हैं MID का कंट्रोल पूरा दे रखा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप देख सकते हैं एलेक्सा इनबिल्ट है। सामने आपको ऊपर दे रखा है सोनी का सबवूफर। एसी वेंट इसके मुझे वर्टिकल्स में है तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके। प्लास्टिक का यूज़ काफ़ी अच्छा किया गया है कार में। कार का जो डुअल टोन इंटीरियर है एंड जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम वाली जो लाइनिंग है ये कुछ हद तक फॉर्चुनर से मैच करती है। नीचे आपको पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने का स्विच एंड USB पोर्ट एंड पावर सॉकेट मिल जाता है। 2 कप होल्डर के साथ आपको जगह मिलती है। ये रही कुछ ऐसी की महिंद्रा की, पुश स्टार्ट बटन के साथ ये की आती है। इसमें एक चाबी होती है जिसको आप इमरजेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहे कुछ आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल्स, ऑटो हेडलाइट्स भी इसमें प्रोवाइड करा गया है। ये रहे कुछ वाइपर्स के कंट्रोल, ऑटो वाइपर्स भी इस वेरिएंट में है। ये है इसका Z8 वेरिएंट पेट्रोल में। 6 एयरबैग्स आते हैं, 2 पिलर पे, दो बी पिलर पे एंड आपको पीछे भी मिल जाते हैं सी पिलर पे भी। तो मतलब टोटल 6 एयरबैग्स आते हैं। 2 आपको मिलते हैं ड्राइवर साइड पे, ऊपर के साइड में आपको स्कॉर्पियो एन में अब आपको सनरूफ भी मिलती है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं स्विचेस के साथ। साथ ही में आपको दिख जाता है कि इसमें जो सनग्लास होल्डर भी दे रखा है, कैबिन लैम्प भी है। IRVM इसका ऑटो एडजस्टेबल नहीं आता, आपको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। जो कि कार में इसमें आपको मिलता है 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड कार में अब बहुत ज़्यादा चेंजेस करे गए हैं पुरानी स्कॉर्पियो से। अब नई स्कॉर्पियो जो आई है, स्कॉर्पियो एक ब्रांड नेम बन चुका है, स्कॉर्पियो के नाम पे गाड़ी बहुत ज़्यादा बिकने वाली है एंड अब इसमें इस फीचर भी कई ज़्यादा ऐड हो चुके हैं तो ये गाड़ी अब बहुत ज़्यादा पसंद आएगी लोगों को। वैसे भी बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी पहले से ही कि स्कॉर्पियो आने वाली है, कब लॉन्च होगी, क्या डेट होगी, तो अब बुकिंग भी शुरू होगी स्कॉर्पियो की। आप शोरूम पर जाके या फिर ऐप पर जाके कार की बुकिंग कर भी सकते हैं। तो कुछ ऐसा इंटीरियर ये आप देख सकते हैं। इसमें ग्लव बॉक्स आपको कूल्ड वाला में नहीं मिलता है एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम जो मैंने बताया 8 इंच का आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये रहा, एनालॉग में ही दिया गया। कुछ मिलते जुलते आइटम्स हैं जो आपको पुराने स्कॉर्पियो में भी दिखने को मिलेंगे और इसमें भी देखने को मिलेंगे, जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं ताकि कस्टमर्स को ये रहे कि वो स्कॉर्पियो में ही बैठे हैं, कुछ ऐसा ना फील हो कि जैसे इन्होंने XUV 500 में जैसा किया था 700 में ज़्यादा डिफरेंस कर दिया। तो इन्होंने स्कॉर्पियो को सेम उसी लेवल पर उतारा है जैसे पहले थी। हाँ, नए फीचर्स और नए मॉडल्स के साथ उन्होंने उतारा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सालों से वही स्ट्रक्चर चला आ रहा था स्कॉर्पियो को। तो जो नया आया है वो बहुत ही बेहतरीन फीचर, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं रूफ में इसमें आपको स्पीकर्स मिलते हैं, पेडल लैंप भी ऊपर मिल जाती है, हेडरेस्ट भी मिल जाता है पीछे वाली सीट्स पे। तो स्पेशियस काफ़ी है, आप कार में बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशियस फील होने वाला है। अब आपकी बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसमें जो पहले हाइड्रोलिक स्टार्ट आता था अब इसमें आपको हाथ से उठाना पड़ेगा। इसमें आपको मिलता है 2 लीटर का M-Stallion इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 200 BHP की पावर एंड 300 Nm का टॉर्क। टर्बोचार्ज इंजन है ये इसका, आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा नीचे आपको इंजन गार्ड प्रोवाइड किया गया है ताकि इंजन आपका सेफ रहे पत्थर से और जो वाटर लॉगिंग हो जाती है उसमें गाड़ी आपकी आराम से निकल जाए। नॉइज कैंसिलेशन के लिए ऊपर आपको इंसुलेशन दिया रखा है ताकि कैबिन में उतनी इंजन की नॉइस ना जाए। सामने आप महिंद्रा का लोगो देख सकते हैं जो कि बहुत प्यारा लग रहा है इनके ग्रिल भी। बैक लाइट की आप देख लें तो बैक लाइट पूरी फुल LED में दे रखी है जो कि इसमें सिग्नेचर है टेल लाइट है जो पहले भी आपकी आया करती थी लंबी सी, सेम उन्होंने वही रखा है। पीछे भी आपको महिंद्रा का लोगो दिख जाता है, स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिल जाती है। टेल लाइट मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है।
साथ में आप देख सकते हैं कि बैक साइड से जो भी इसकी रोड प्रेजेंस है बहुत अच्छी लगती है। आदमी इसको अगर एक बार देख लेता है तो दीवाना हो जाता है इस कार का। बहुत बेसब्री से सबको इंतजार था। महिंद्रा के लोगों के नीचे आपको दिख जाता है इसका कैमरा, जो कि बहुत ही बेहतरीन व्यू प्रोवाइड करता है जब आप कार बैक करते हैं। साथ में गाइडलाइंस भी आपको शो होती हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में। उसी के नीचे आपको नीचे दिख जाती है स्टेपनी व्हील, जो कि स्टील रिम में आती है। इसका एक्सेस आप बूट ओपन करके कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा था इसका रिव्यू कार का। आप देख सकते हैं कितनी मस्कुलर ये कार लगती है, एंड इसके ग्राउंड क्लियरेंस भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है, जो आपको बेहतरीन ऑफ रोड प्रेजेंस देगा। इसमें 17 इंच के टायर्स मिलते हैं, रिम मिलते हैं, बाकी आप 18 इंच के भी ले सकते हैं।